पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। योग का, वेद का, धर्म का, शास्त्र का एक एक शब्द, एक एक ऋचा, एक एक सूत्र, एक एक मंत्र, एक एक श्लोक, वो बहुत ही गहरा, बहुत ही व्यापक है। अभी हमने पूर्णमदः एक बहुत बड़ा धर्म का, अध्यात्म का, व्यवहारिक और पारमार्थिक सत्य है। पूर्ण विवेक से, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण पुरुषार्थ से, पूर्ण शरणागति से, पूर्ण कृतज्ञता से हम जीवन में यदि एक एक पल जीते हैं तो हमारा जीवन इतना विराट होता चला जाता है जिसकी परिकल्पना भी हम स्वयं भी नहीं कर पाते, दूसरे तो कैसे कर पाएंगे। आज सोचा कि अपने सब सन्यासी भाई बहनों को थोड़ी देर ब्रह्मचर्य पर संवाद भी, सत्संग भी करते हैं, और ब्रह्मचर्य को पूरा आत्मसात करने के लिए क्या क्या साधन है उसके ऊपर थोड़ा विमर्श करते हैं, थोड़ा चिंतन करते हैं। ब्रह्मचर्य का पहला साधन तो ब्रह्म ही है, और ब्रह्म दृष्टि हमारी एक क्षण में बन सकती है। मेरे साथ जो आप रोज ही बोलते हो, मैं भी बोलता हूँ, जिस तत्व को हम जीते भी हैं, लेकिन वो तत्व कहीं ना कहीं शायद बीच में खंडित हो जाता है तो अखंड रहे। तो ओम सर्वं खलु इदं ब्रह्मा, ब्रह्मेविदं अमृतं पुरस्तात्, ब्रह्म पश्चात् दक्षिणतश्च उत्तरेण, अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्म, प्रसृतं ब्रह्मेव इदं वरिष्ठं, इदं विश्वं, इदं वरिष्ठं। एक साथ बोलने का प्रवास अभ्यास है, तो सब कुछ ब्रह्ममय है। और जिसको हम कहते हैं यो वै भूमा तत्सुखम नार्पि सुखमस्ति, ब्रह्म ही भूमा है। इस जगत के तीन रूप माने हैं इस पूरे अस्तित्व के, ब्रह्मांड के। एक ब्रह्म मूलतः ब्रह्म रूपाय, मध्यतः विष्णु रूपाय, अग्रतः शिव रूपाय, ऐसा कहते हैं। तो जो जीवन का, जगत का, पूरे अस्तित्व का द मेन सोर्स ऑफ दिस एग्जिस्टेंस इज ब्रह्म, जो मूल शक्ति है। अब उसको चित शक्ति बोलो, आद्या शक्ति बोलो, अब उसको शब्द भेद से फिर भगवती भी कहते हैं, ब्रह्म कहो या भगवती कहो, तो शब्दांतर है। कई रूपों में हम अपने इस अस्तित्व के सत्य को समझते हैं। तो ब्रह्म है जो मूल शक्ति है, जो वह शक्ति जब आकार लेने लगती है तो एक जो बीज का प्रोसेस है उसको विष्णु कहते हैं, और जो व्यक्त रूप में जितना भी जगत है ये सब शिव रूप है। सबका कल्याण करने के लिए परमपिता परमेश्वर ने इस सब को नाम रूप स्वरूप अलग अलग दिए। मूलतः एक ब्रह्म ही का ये सारा विस्तार है। ब्रह्म का शरीर ब्रह्मांड है,
आत्मा का शरीर पिंड है। अब कोई कहे कि मैं तो ब्रह्म को नहीं मानता, तो फिर आत्मा को भी कोई नहीं माने, तो ना मानने और न मानने से सारी चीज़ें नहीं चढ़ती हैं। दो तरह के सत्य हैं, एक वस्तुनिष्ठ सत्य होता है जो दृष्ट होता है, जिसको हम चर्म चक्षुओं से देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, छू सकते हैं, जिसको के साथ यदि वो बोल सकता है तो बात कर सकते हैं, नहीं तो जिसके साथ व्यवहार कर सकते हैं। एक पारमार्थिक सत्य है, आत्मा पारमार्थिक सत्य है, इसलिए विज्ञान अभी उसको वस्तु के रूप में, पदार्थ के रूप में, ऐसे किसी द्रव्य के रूप में, कोई आकार प्रकार के रूप में उसको देख नहीं पाया है। लेकिन अनुभूति तो है, हमारा होना ही उस आत्म तत्व की अनुभूति है। जैसे आत्मा का के अंदर के द्वारा जो प्रोसेस चलते हैं सूक्ष्म शरीर में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में, कोश में, ये सब विषयों के रूप है, और जो शरीर से जो व्यक्त जो भी चेष्टाएं चल रही हैं शिव रूप है। खैर, ये तो एक पारमार्थिक व्यावहारिक व्याख्या हो गई इसकी। साधन के रूप में एक ब्रह्म दृष्टि, व्यवहार की दृष्टि से तो अब जैसे शरीर को बलवान बनाना है तो व्यायाम करना ही पड़ेगा, प्राण को सबल बनाना है तो प्राणायाम करना ही पड़ेगा, आत्मा को सबल बनाना है तो ध्यान करना ही पड़ेगा, और परमात्मा को पाना है तो शरणागति में जाना ही पड़ेगा। एक एक तत्व बहुत गहरा है, लेकिन इस सभी तत्वों का मूल यह है कि जो गुरु और ग्रंथ हमें संकेत करते हैं जिन तत्वों का, उसमें हमारी श्रद्धा 100% होनी चाहिए। अब ब्रह्म तत्व को पाना है तो ब्रह्मचर्य सूक्त में क्या पढ़ते हैं, ब्रह्मचारी शणसरति रोदसी उभे तस्मिन् देवाः सदाधार स आचार्य। एक तो इसका शब्दार्थ संबंध से, धातु प्रत्यय के निष्पत्ति से, व्याकरण शास्त्र, निरुक्त शास्त्र ऐसे उसके द्वारा अर्थ घटाते हैं। ये अर्थ भी व्यवहारिक है, लेकिन पारमार्थिक अर्थ क्या है? जो सदा ब्रह्ममय रहता है वो ब्रह्मचारी है, वो ब्रह्मचारिणी है। ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी में शब्द का भेद है, तत्व का भेद तो है ही नहीं। अब ऐसा अर्थ करते हैं, ब्रह्मचारी ब्रह्म को ईश्वरन खोज करता हुआ पृथ्वीलोक में, द्योलोक में, अंतरिक्ष लोक में, पूरे अस्तित्व में विचरण करता, ब्रह्मचारी शरति रोदसी उभे, इस लोक में, परलोक में, वह एक ही ब्रह्म में विचरण करता है। और फिर क्या कहा, तस्मिन देवाः, सारे देवता उसके अनुकूल हो जाते हैं। मैंने लगभग 35-40 वर्ष पहले भी ये पुस्तक पढ़ी थी, आचार्य अभय देव जी की वैदिक ब्रह्मचर्य गीत। उस समय हमको ऐसा लगता था कि ये ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ा तत्व है और हम उसको साधेंगे, और पूरा समझ में भी नहीं आता था, लेकिन उत्साह बहुत था ब्रह्मचर्य के प्रति। हमको किसी ने ब्रह्मचारी रहने के लिए, सन्यासी का आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित नहीं किया, कोई पूर्व जन्म का संस्कार था। और सारे देवता अनुकूल होते हैं, ऐसे शब्द प्रयोग है, कितने देव हैं, जितने हम मनुष्य और मनुष्यतर जितने भी इस पूरे अस्तित्व में जीव है ना, ये भी असंख्य कोटि हैं। हमारा परिचय तो थोड़े से जीवों से है, और हमारी बातचीत मनुष्यों से ही है, और मनुष्यों से भी हमारी रुचि प्रकृति वालों से है,
दूसरे मनुष्यों से हमारी बातचीत कहाँ है? अभी चाइना वालों से हमारी बातचीत कहाँ है? रशिया वालों से हमारी बातचीत कहाँ है? यूरोप वालों से हमारी बातचीत कहाँ है? उत्तर कोरिया वाले ना तो किसी से मिलते, ना उनको किसी से मिलने दिया जाता। ऐसे तो हम कहते हैं सब ये एक ही ब्रह्म का विस्तार है, लेकिन ये तो अलग ही तरह का मामला है। ब्रह्मचारी के लिए तो पूरा ब्रह्मचर्य सूक्त मैंने शायद सैकड़ों बार पढ़ा होगा, और जितनी बार उसको पढ़ो तो उसके नए नए अर्थ और नई नई अनुभूतियाँ अनुभव में आती। एक बात शब्द शास्त्र की है, दूसरी अनुभूति की बड़ी गहरी है। तो देखो अब आज हम कह सकते हैं 55 पार करके, अभी तक तो देखो हमको ही नहीं पता था ज़्यादा, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा क्या है? जिस तत्व का बोध गुरु को हुआ उस अनुभव को अपना मानना, ये बात तो छोटी सी है। आप इसी धरातल पर रहा करो, जो बात मैं कह देता हूँ फिर उसमें तुम एक्सपेरिमेंट मत करना। लेकिन मनुष्य का मन ऐसा है, मुझे भी करके देखना है। अच्छे अनुभव तो होंगे ही, उसके लिए आपको करने की ज़रूरत नहीं है, और गलत अनुभव करने की कतई ज़रूरत नहीं है कि एक बार ये भी करके देख लेते हैं। भाई गांव की भाषा में बोलते हैं, जिस रास्ते जाना ही नहीं उसको पूछना भी क्या, उसके बारे में सोचना भी क्या। तो गुरु परंपरा क्या है? गुरु के ज्ञान को, गुरु की भक्ति को, गुरु की अनुभूति को अपना अनुभव मान करके उससे आगे बढ़ना, ये गुरु परंपरा है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई इस रास्ते पर चलते हैं तो सारी दैवी शक्तियां हमारे अनुकूल हो जाती हैं। अब ये बात पहले तो हमको भी सपने जैसी लगती थी, जिस समय हमारे भीतर बड़ा कुतूहल था पारमार्थिक जगत को लेकर के, अमूर्त जगत को लेकर के। उस समय हमारे भीतर बड़ी ललक थी कि सूक्ष्म आत्माओं से बातचीत करनी है, मोक्ष मुक्त आत्माओं से बातचीत करनी है, स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग करना है, और सिद्धियों को प्राप्त करना है। ऐसे हमारे भीतर बड़ा वेग था आज से लगभग 35 साल पहले, जब हम गंगोत्री में थे तब। फिर पता नहीं क्या भगवान का विधान हुआ, हम सेवा में लग गए, और अब तो हम संकेत में ही बात कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे आपको गुरु कृपा, भगवत कृपा से जो अनुभूतियां हमने पाई हैं उनको आपको भी प्रत्यक्ष करवा देंगे। अब हमको जिन अनुभूतियों को करने में, हम ये नहीं कह रहे कि हमने कोई यत्न पूर्वक किया है, हमने अपने आप को भगवान के हाथों में सौंप दिया। फिर अनुभूतियां तो सारी गुरु कृपा और भगवत कृपा से ही होती है। कोई करोड़ों क्या अरबों खरबों में कोई अपवाद रूप से जन्म जन्मांतर का कोई सिद्ध योगी है और उसको बचपन से कुछ अनुभूतियां हो गई हैं, वो अपवाद है। बाकी सारी आध्यात्मिक अनुभूतियां गुरु कृपा से, भगवत कृपा से ही घटित होती हैं। उसके लिए कोई मायावी दुनियावी तंत्र नहीं है। आप विद्या से अर्थात शास्त्र अध्ययन से, शास्त्र अध्ययन नितांत आवश्यक है, मैं 100% उसका समर्थक हूँ, लेकिन केवल शास्त्र से, केवल ज्ञान के बल पर, केवल मंत्र आदि हम जप करते हैं, केवल हम सेवा करते हैं, या केवल हमारे पास बहुत बड़ा सामर्थ्य है, अरबों खरबों का ऐश्वर्य, हम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन गए, लाखों करोड़ के मालिक बन गए,
उससे पारमार्थिक अनुभूतियाँ नहीं होंगी। पारमार्थिक अनुभूतियों को सांसारिक वस्तुओं के, पदार्थों के, धन के बल पर नहीं प्राप्त किया जा सकता। गुरु कृपा ही केवलम। हम पहले गुरु तत्व को उस रूप में नहीं समझते थे जैसे आज समझते हैं। पारमार्थिक अनुभूतियां गुरु के माध्यम से ही होती हैं, और किसी को जन्म से भी हो तो थोड़ी सी हो सकती हैं। उन जन्मजात अनुभूतियों को भी विराट रूप कोई गुरु ही देता है, हाँ, इसके बिना नहीं होती। तो गुरु को भगवान का मूर्त विग्रह मान करके, उनकी एक एक बात को ऐसे मान करके कि अखंड मंडल आकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः का अर्थ तात्पर्य यही है कि वो अखंड कोटि ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांड में जो चराचर जगत में व्याप्त सत्ता है, उसकी अनुभूति कहाँ से होगी। गुरु के रूप में भगवान अभिव्यक्त होते हैं और वो फिर उस परम पद का हमें मार्गदर्शन करते हैं। तो थोड़ी प्रतीक्षा भी कीजिए, धीरज रखिए और एक निष्ठ होकर के कि मुझे ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलना है, मुझे भगवान को, मैंने अपने आप को भगवान को सौंप दिया, और जितनी तीव्र अभिप्सा होगी, जितनी हमारी अंतःकरण की शुद्धता होगी, आचरण की शुद्धता होगी, उतना हमारी भूख, हमारी हूक, हमारी अभिप्सा, हमारी खोज उतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। अब इसमें मैंने देखा बस एक ही बाधा है, प्रमाद करते हैं। तो प्रमाद को तो पूरा डिलीट कर दें। तो आज से मैं ऐसे साधन के तौर पर बोलूं तो एक साधन तो किसी भी स्तर पर प्रमाद नहीं, ना शरीर के स्तर पर, ना इंद्रियों के स्तर पर, ना वाणी व्यवहार के स्तर पर, ना कर्म के स्तर पर, न स्वभाव के स्तर पर। स्वभावगत हमें प्रमाद होता है, दोष बोलो, प्रमाद बोलो, विकार बोलो, अशुभ बोलो, कुछ वो तो शब्द प्रयोग है। ये पहली शर्त है, निर्दोषता ही पात्रता का प्रथम चरण है। जब हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा चित्त, हमारा आचरण पूर्ण निर्दोष हो जाता है तो उसमें गुरु कृपा, भगवत कृपा अपने आप घटित हो जाती है। गुरु भी ज्ञान गुरु, दीक्षा गुरु, मोक्ष गुरु, गुरुओं की भी श्रेणियां हैं। जिन गुरुओं ने अक्षर ध्यान ज्ञान दिया वो भी गुरु हैं, जिन गुरुओं से हमने शास्त्र आदि पढ़े हैं वो भी गुरु हैं। आप भाई भी एक दूसरे से, भाई ने एक दूसरे से पढ़ते हो, वो आप उनके प्रति गुरु बुद्धि ही रखना है, वो ज्ञान गुरु है आपके। मुझसे आपने दीक्षा पाई है तो अभी मैं आपका दीक्षा गुरु हूं। अब जैसे जैसे भगवत कृपा से, गुरु कृपा से आप आगे बढ़ते जाएंगे तो मोक्ष गुरु होना अभी बाकी हूं। और इतना विश्वास रखो कि जब गुरु ने हमको दीक्षा दी है तो मोक्ष की, अर्थात जीवन मुक्ति की, जीते जी ही पारमार्थिक सत्यों की अनुभूति भी हमें गुरु कृपा से होगी। इसके लिए अपने मन में श्रद्धा रखनी है, कोई पागलपन नहीं चाहिए इसके लिए। इसके लिए शरणागति चाहिए। तो जैसे जैसे आपकी शरणागति पूरी होती जाएगी, तस्मिन देवाः सम्मनसो भवन्ति, तो आपको भी वो सारी अनुभूतियाँ होंगी। ये विश्वास रखो, पहले रखो श्रद्धा, और श्रद्धा से फिर अनुभूति अपने आप हो जाएगी। तो आज
शास्त्र की भाषा में बोलें तो सातम सम मोहिमय जग देखा और मोते अधिक संत कर लेगा। तो एक ब्रह्ममय दृष्टि, अब इसकी देखो, आज मैं सुबह भी कह रहा था प्रभात के सत्र में, एक एक तत्व को जीवन में उतारने के लिए कई बार हमको ऐसा लगता है ये तत्व तो मुझ में उतर गया है। नहीं भाई, किसी भी तत्व के उतरने की कसौटी परीक्षा ये है कि एक ब्रह्म दृष्टि के अलावा कम से कम ये दृष्टि अंतरंग परिधि में तो हो। देखो कुछ ऐसा भी पूरे अस्तित्व में तत्व होंगे जिनकी उपेक्षा करनी है आपको, लेकिन आंतरिक परिधि में तो उपेक्षा ठीक नहीं है ना। जैसे योग दर्शन में भी कहा मैत्री करुणा मुदिता और अंत में क्या क्या उपेक्षा, और उपेक्षा का मतलब किसी से बैर नहीं है, किसी से दुश्मनी तो या हिंसा किसी के साथ वो तो प्रश्न ही नहीं है। डिटैचमेंट, उसके साथ अनपेक्षा हो जाना। तो ये अभ्यास आप सब भाई आंतरिक परिधि में करो, बहने ये अभ्यास आंतरिक परिधि में करो, और आज मैं गुरु कृपा भगवत कृपा से इस बात को आपके उत्साह के लिए कह रहा हूँ। वैसे तो आत्मश्लाघा की श्रेणी में आती हैं ये बातें, लेकिन अपने बच्चों को तो बात कहनी पड़ती है, माता पिता को, गुरु को, अपने शिष्यों को बात कहनी पड़ती है। इस पूरे अस्तित्व के प्रति मैं ये शब्द पिछले 30 सालों से बोल रहा हूँ, और मैंने ये जो उपनिषद की ऋचा आदि और ये सारी बातें मैंने भी पढ़ी थी 35-40 साल पहले, तो धीरे 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 हमारे भीतर इतनी रच बस गई, अब हमको जागते समय भी स्वप्न में भी एक ही ब्रह्म का भाव सबके प्रति रहता है। तो इस भाव को आप इसको रचाना बसाना पड़ता है अपने पूरे अस्तित्व में, रोम रोम में। जब आप इसको पूरा रचा बसा लेंगे तो फिर आप में द्वैत खत्म हो जाएगा। अद्वैत और द्वैत त्रैत के नाम पर ये जो लोग शास्त्रार्थ करते फिरते हैं और बहुत तरह के वाद संवाद विवाद और बहुत तरह के उपद्रव होते रहते हैं, ये अलग बात, व्यवहार में तो द्वैत और त्रैत है ही नहीं, इसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं है ना। भाव में अद्वैत आ जाए, आत्मवत्तया हम जीने लगे, आत्मवत दृष्टि हो जाए, आत्मवत प्रीति करें, आत्मवत व्यवहार करें, और एक ही ब्रह्म का आंतरिक परिधि से तो शुरू करो। पहले तो बहुत कठोर अनुशासन में रहना पड़ता है, जैसे हमारे गुरु ने हमको रखा कि माँ बहनों की तरफ ऐसे भी नहीं देखना, तो हमने ऐसे देखा ही नहीं कभी। अब आप बेटियाँ हैं, आपको हम देखते भी हैं, सब भाई बहन भी हमसे मिलते हैं, लेकिन वो भाव जब परिपक्व हो जाता है, प्रथम तो आपको सीढ़ी दर सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है। फिर आप में देहातीत दृष्टि, गुणातीत भावातीत दृष्टि हो जाएगी पैदा, तब आप फिर यहाँ ये लिंग भेद भी नहीं रहता है, मेल फीमेल ये सब अपना अस्तित्व कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम अन्य साधारणत्वात हो जाता है। सिया राम मैं सब जग जाने, सातम सम मोहि मैं जग देखा, ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्मा वासुदेवा सर्वम। मेरा शरीर का एक एक अणु परमाणु 37 ट्रिलियन सेल्स ब्रह्ममय हो जाए स्वयं से, और समष्टि, किसी भी सत्य को हमें समझना है तो स्वयं से उसका प्रारंभ होता है, और ये दृष्टि फिर पूरे अस्तित्व में जहाँ कहीं पर भी ब्रह्म के अतिरिक्त दृष्टि आए उस दृष्टि को वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना, ब्रह्म दृष्टि से उस दूसरी भोग दृष्टि, कोई ब्रह्म की दृष्टि, कोई और सात्विक रासिक दृष्टि, कोई ब्रह्मेतर दृष्टि आ गई तो उसके लिए इस दृष्टि को ही अपने भीतर पूर्णता से, इसलिए मैंने दो शब्द पहले ऋचा से प्रारंभ किया पूर्ण मदा, इसी यह पूर्ण विवेक हो जाए, पूर्ण प्रकाश हो जाए इस ब्रह्म दृष्टि का, पूर्ण प्रकाश।
कि बस अब इसके अलावा कुछ दूसरा है ही नहीं। पूर्ण भक्ति, ये विश्वास इतना हो जाए कि सोते जागते उठते बैठते कभी भी फिर इस दृष्टि से नीचे ना आए, और व्यवहार में जो कुछ कर रहे हैं उस ब्रह्म की आराधन है, ब्रह्म की ही पूजा है। सब कुछ जानने की, सब कुछ करने की प्रेरणा, सब कुछ जानने का बोध विवेक, सब कुछ करने की प्रेरणा, सब कुछ करने की शक्ति, सब कुछ करने के साधन, सब भगवान के दिव्य हैं, मैं निमित्त मात्र हूँ, ऐसे अकर्ता हो करके करना। ये हो गई ब्रह्म दृष्टि ज्ञान में, ब्रह्म दृष्टि भक्ति में, ब्रह्म दृष्टि कर्म में।